आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है, सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है, शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस मसले की जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। वो हुई थी जनरल ज़ियाउल हक के दौर साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जब एक सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है उसको पाकिस्तान में ला के इन्होंने फेंका और वहाँ पे हमारे मसल की इख्तलाफात को ख़त्म किया और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रो बनाए, बंदे बनाए, शिया सुन्नी बनाए, टोका कल्चर दरियाफ्त किया कि फलाने बंदे को मार दो, उसके अंदर वो लाल मस्जिद वाला वाकया परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जिनसे ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है, ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ। आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कुछ 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान, वीजा फ्री हो। तो वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है, यूरोप जाने के, हाँ यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले के। देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखने की रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ कहा ये जाता है, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं, आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो इंडिया के विजिट के लिए, बीजेपी के ही एक जो मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है, सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, ठीक है। तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ, यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते, लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप
एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं, मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया, इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है? वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस हैं वो बड़ी महफूज हैं? देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने से देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है, उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं, हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना उधर, मैं चला गया, मेला था उनका, 550वां जन्मदिन था, तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया, वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज़ रखने के। तो मैं खैर वो शूज़ रख के हम लोग अंदर चले गए, अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज़ पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दीन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दीन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में, कोटली आजाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद है। आजाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज्यादा मस्जिद से मस्जिद का शहर बोला जाता है आजाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी जी कोटली आजाद कश्मीर। ठीक है, अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पास्ट पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आजाद कश्मीर? मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में। हाँ, आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल, देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फखर से फील करते हैं सर, सुनिएगा मेरी ऑडियंस भी सुने, खबर भी बताएं जो मैं नहीं नहीं इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं है। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए दौर में ये कह दें कि यहाँ पे भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक
हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बड़ी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आज़ाद, मजहब की आज़ादी है, ये चीज़ है। तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। ने सवाल किया उसके पास, वो चलते चलते जवाब दे दिया, जिस बात में जवाब यही चीज़ है। जब थोड़ी सी लॉजिकल बात की जाए कोई भी हो वो समझ जाता है। देखिए अंकल ने, भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान है, इनका कसूर नहीं है। बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं मस्जिदों में, जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया, आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। याद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा है? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहां पर बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहां पे, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? यार मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था, और इससे जो है वो मुसलमानों का एक सॉफ्ट इमेज आ रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अब इस तरह के इवेंट्स अगर आप कवर करेंगे तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा होगा, दोनों कंट्रीज में रिलेशन बेहतर होंगे। और साथ में इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जब एक मस्जिद पे उन्होंने हमला किया था, तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी वो खुद वहाँ पे चल के आई थी और उन्होंने काले रंग का लिबास भी पहना था। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनके हाँ यहाँ पे कोई कत्लो गारत होती, जैसे अब जड़ावाला के अंदर हुआ, तो कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ जस्टिस को वहाँ पे जाके उनके साथ इजारे ताजियत करनी चाहिए थी और ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था। और दूसरा ये कि आप जैसे करतारपुर है, अब करतारपुर हमने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पे आप देखिए कितनी टूरिज्म हुई है वहाँ पे, आप हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जैसे, लेकिन उस पर क्रिटिसाइज बड़ा किया गया गवर्नमेंट को, भाई ये देखो इधर जो है मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, और यहाँ पे जो है वो ये बनाया। अगर यही लॉजिक इंडिया बना दे तो वहां पे तो मेरे ख्याल 70-80 लाख से भी ज्यादा, 70-80 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो हिंदू रह रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए मस्जिद बना रहे हैं ना। और वो ये लॉजिक दे देंगे ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसे आप दुनिया के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने, अगर आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो आपका दुनिया के अंदर एक सॉफ्ट इमेज आएगा। हम क्यों बार बार ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट होते हैं फिर हम ग्रे लिस्ट पे आते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं। यार देखें, जब तक आप यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी लेके आएंगे, यहाँ पे हर मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। और ये नहीं कि भाई आप उन्हें प्रमोट करो या इन्हें प्रमोट करो, मैं मुसलमान हूँ, मैं फखर से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अपने मजहब को फॉलो करना, किसी दूसरे को दबाना नहीं है कि तुम हिंदू हो तुम सिख हो तो तुम्हें दबा दिया जाए, नहीं, उन्हें भी उतनी आजादी होनी चाहिए। आबिद भाई इन्होंने बड़ी बात किया, फिर हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, हम कहते हैं ये इंडिया की साजिश है। अच्छा, वो ग्रे लिस्ट का भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है, हम कैसे बाहर निकले उसके ऊपर भी कभी टॉपिक करूंगा, और बड़ी लंबी बात है वो। इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना, मेरी ऑडियंस को पता है हम लोग कैसे निकले हैं। खैर, अभी जड़ावाला की भाई ने बात की, जड़ावाला मैं मौजूद था, आप लोग भी मौजूद थे। तो जड़ावाला जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो सारा जला दिया गया, पूरा इलाका जला दिया गया, अब उधर की मज़े की बात सुनिए। जिस दिन हम लोग उधर जड़ावाला पहुँचे, उस दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एंट्री थी उधर। अब एंट्री किस किस्म की थी, मैं आपको फेक सीन बताता हूँ कि फेक सीन होता क्या है। उन्होंने क्या किया, मीडिया को दिखाने के लिए, हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया उसे दिखाने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया को एक रात में उन्होंने, यानी कि आग लगने के बाद एक रात में उन्होंने एक चर्च तैयार किया, वो भी इलाके के बाहर। अच्छा, उस चर्च को प्रॉपर तैयार किया, खूबसूरत किस्म का, उधर वज़ीर आज़म साहब की एंट्री थी, वाकई में घर जले थे, जो वाकई में चर्च जले थे उसके, और जो कब्रिस्तान को खराब। सर वही बताने लगा हूँ कि देखिए, वज़ीर आज़म साहब जब आए, उन्होंने आके वीडियो बनाई, चर्च तो बेहतरीन है, नया जो है चर्च बना हुआ है। अब वज़ीर आज़म साहब वो एंट्री करके तो चले गए, एंट्री तो हमने की उस मोहल्ले में, तो उन लोगों ने जो है ना, उन लोगों ने यकीन करे चीखों पुकार के साथ रोते हुए उन लोगों ने पता क्या कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आया है, बाहर बाहर से वीडियो बनवा के चला गया है, इसे चाहिए नहीं था कि हमारे पास आके ना देता कुछ, कम से कम हमें को तसल्ली दे के चले जाते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सपोर्ट हो जाती। और ये वहाँ पे प्रॉपर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने एहतजाज किया, और वो वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, वो तो रो के कह रहे थे कि हम पछता रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। चले, क्रिश्चियन कम्युनिटी का कसूर था, उनके घरों को जला दिया गया, उधर जो कब्रिस्तान जलाया गया, कब्रिस्तान तोड़ा गया,
उनका क्या कसूर था, उन मुर्दों का क्या कसूर था, मुझे ये बताइए। भाई जो कराची में मंदिर डिमोलिश किया गया जिसके ऊपर हमने आवाज उठाई, और ऊपर दुख ये होता है कि कुछ पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया तो जो है ही है, कुछ यूट्यूबर भी वहां पे जाके कहने लगे ये रिसेंटली कि भाई मंदिर तो डिमोलिश हुआ नहीं। मतलब हैरत होती है, दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन हिम्मत तब होती है जब आबिद अली जैसे, दिलशाद भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, और ये 1, 2, 3 आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगर हमें हिम्मत हुई ऐसी सोच वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हम कुछ चेंज लाने की जरूरत कोशिश करेंगे। दिलशाद भाई आप भी हैं, आबिद भाई भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं एक बड़ी एनर्जी बनती है। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई के बारे में कि जैसे वो वर्क कर रहे हैं और बड़े बड़े ओपनली ये बात करते हैं? जी मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़े बोल्ड रिव्यूज देते हैं। और ये सर बाद में तो मैंने कहता हूँ भाई ये देखो मुझे ना पकड़वा देना। जी जी ये मेरे से भी ज्यादा बोल्ड रिव्यूज देते हैं, हालांकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है किस हाल का है, उसके बावजूद इतने बोल्ड रिव्यूज देना, ये कोई, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ ये कोई आसान काम नहीं होता। आपकी फैमिलीज होती हैं, वो लोग बहुत बातें करते हैं, तो इस वजह से ये मुश्किल काम होता है। और दूसरा ये कि यार देखो मेन जो जड़ इस बात की है ना वो ये है कि जब आपके अंदर प्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो आएंगी ना, मैं हर वीडियो में जोर देता हूँ कि आपने डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना, यार डेमोक्रेसी आपके मॉडर्न एरा के सब मसाइल का हल डेमोक्रेसी के अंदर है। वंस जब आपके पास देखें ह्यूमन डिग्निटी में एक मुसलमान, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन सब बराबर हैं, हर एक मुल्क की तरक्की के अंदर सिर्फ किसी एक मजहब का हाथ नहीं होता, सब मजहब का हाथ होता है। और जब आप लोगों के मजहब को प्रमोट करेंगे, कम से कम उनकी जो इबादत गाहें, अब मुझे ये बताएं कि इबादत गाहें हमारा, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, भाई भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम भी सब इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसमें इंसान की बात हो रही होती है, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही होती। तो आपने हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखना है कि यार देखें अगर आपके साथ कोई बंदा आके मिलके, अब देखें बहुत बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि बहुत हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं, हिंदूज भी हैं, ठीक है, बाकी ज्यूज भी होने, मैं कहता हूँ कि हर इंसान बराबर है, उसको प्रैक्टिस करने का मौका देना चाहिए। और इसमें खासतौर पर जो इंडिया ने ये वाला कदम उठाया है मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, और इस तरह के कदम पाकिस्तान को भी उठाने चाहिए। जिस तरह हमने करतारपुर बनाया है, हमारा कितना अच्छा इमेज गया है, हम कितनी सेलिब्रिटीज है, नवजोत सिंह सिद्धू है, उसके बाद सनी देओल है, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, और मुझे खुद बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हमारा कितना अच्छा इमेज गया है। और देखें वहाँ पे करतारपुर जो साहब ने बनाया उसकी वजह से सिख कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं तल्लुकात, खान साहब के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया करतारपुर के ऊपर, और खासतौर पर हमारी नाम नेहाद जो मजहबी जमाते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया है फजूल बातें बता बता के, उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया, उसमें से एक तो वो दुनिया से चला गया, मैं उसको क्या कह सकता हूँ, ठीक हो गया। आबिद भाई आप बताइएगा कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, सोएब चौधरी या ऐसे लोग जो ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को, ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया, सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ रहे? एक्चुअली वो दुनिया जो है ना वो चल रही थी हमारे मीडिया के ऊपर, तो वो इसलिए जो सुन रहा था जो समझ में आता था वो इंडिया को बुरा कहते थे। जब इस्लामिक कंट्रीज को समझ आई कि हकीकत क्या है, वो सब इंडिया के साथ तजारत करने लगे, क्यों नहीं आ रहे बार करने लगे। अब वो ईरान की बात सुनिए, अभी ईरान का आपने कहा कि इंडिया के साथ वीजा एंट्री फ्री कर दी, ईरान ने इंडिया के अलावा और काफी मुल्कों की वीजा एंट्री फ्री की। एनीवे मैं अब आता हूँ पाकिस्तान को, आपको अंदाजा ही नहीं है पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है, अब नहीं है अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान, वीजा फ्री, तो वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है, यूरोप जाने के, हाँ यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं, हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे, हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे, फ्री चले जाते हैं डंकी लगा के दो नंबरी तरीके से। तो मैं हमेशा कहता हूँ दो नंबरी चीजों में ना हम लोग वैसे ही दुनिया में सबसे आगे हैं। किसी दौर में सऊदी अरेबिया में ना वो टेलीफोन बूथ होते थे, इंग्लिश कंट्रीज में टेलीफोन बूथ होते थे, तो लोग उसमें सिक्का डालते होते थे, तो पाकिस्तानी उस सिक्के के साथ ना धागा बांध के और उसमें सिक्का फेंक के जो ना लगे रहते थे सारे रात फोन में लगते थे, यानी कि इंजीनियर्स के भी ये दिमाग नहीं जो पाकिस्तानियों के दिमाग है हमारे, लेकिन दो नंबरी में।
तो जब इधर पॉजिटिव चीज में भी है, लेकिन हमें उस तरीके से प्लेटफॉर्म मिले। देखें, आपने बोला ना दो नंबरी में आ गए, यही अगर हमें प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ पे हमें आईटी यूनिवर्सिटीज उस तरीके से बने, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर प्लेटफॉर्म मिले। मैं आपको इस पे ऐड करना चाहूंगा, इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस मसले की जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। वो हुई थी जनरल जियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जब एक सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है उसको पाकिस्तान में ला के इन्होंने फेंका और वहाँ पे हमारे मसल की इख्तलाफात को ख़त्म किया और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रो बनाए, बंदे बनाए, शिया सुन्नी बनाए, टोका कल्चर दरियाफ्त किया कि फलाने बंदे को मार दो। उसके अंदर वो लाल मस्जिद वाला वाक़या परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। मैं आपको यार हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि डिक्टेटर्स ने जब जब हमारे मुल्क को ओवरटेक किया है तब तब हमारे मुल्क की जो है वो इमेज हमेशा डाउन हुई है, कभी ऊपर नहीं हुई। जैसे अब नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, जो पोलिटिकल लीडर्स हैं ना, अब देखें पिछली दफा बिलावल भुट्टो एक मंदिर के अंदर गए और उन्होंने जाके और उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ इस बात के ऊपर, हालांकि वो एक डेमोक्रेटिक लीडर थे। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा डिक्टेटर है जो कि इस तरह की हरकत करता है। मैं हमेशा आपको इस बात की तलकीन करता हूं कि यार देखिए, जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। आबिद भाई जिस तरीके से पीस को प्रमोट करते हैं, अमन की आशा की बात करते हैं, उसी तरीके से मेरे असल दिलशाद भाई का ये मोटिव है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। और मैं भी इन दोनों चीज़ों को, पीस को भी, मैं मतलब यह कि रियल डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान में होनी चाहिए, इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ और इनकी बात से भी 100% एग्री करता हूँ। आबिद भाई, दिलशाद भाई, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि यार डिक्टेटरशिप के अंदर ना आप अमन कायम कर नहीं सकते। उसके अंदर ये होता है कि ना आपकी अदलिया आजाद होती है। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में फर्क क्या होता है। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि एक डिक्टेटर आके बैठ गया, वो 20 साल हुकूमत करे, 25 साल करे, आप उसको रोक नहीं सकते। अदलिया उसके अंदर होती है, सेनेट उसके अंदर होती है, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज उसके अंदर होती है। जबकि एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जवाबदेह होता है, वो एक पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है, वो अदलिया को जवाबदेह होता है, ठीक है, अवाम को जवाबदेह होता है, ठीक है, वो अवाम का मैंडेट लेके आता है। तो इस वजह से आप कभी सोच भी नहीं सकते कि डिक्टेटरशिप के अंदर आपका मुल्क जो है वो कभी तरक्की कर सकता है। और हमने ये तजर्बे करके भी देखे हैं, बहुत ज्यादा करके देखे। हमने 40 साल इन तजर्बात में गुजारे हैं और आज हमारे यहाँ ये हाल है कि 18 लाख स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने जा चुका हुआ है। जो बाकी यहाँ पे मौजूद है उनमें से भी 90% यही चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं। आप जो बैचलर का जो एक बैच होता है वो एंड वाला जो सेमेस्टर था उसमें जाके आप 50 स्टूडेंट है उनमें से पूछें कि आपने करना क्या आगे, उसमें से 40 से ज्यादा बच्चे आपको ये कहेंगे कि बाहर जाना है। आबिद भाई, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कभी, जाहिर बात है आप पे भी अटैक किया जाता था, ये कहा जाता था इंडिया को प्रमोट कर रहा है, ये जो है मोदी का जो एजेंट है, फैन है, लेकिन अब आपको नहीं आइडिया हो रहा, ये ऐसा महसूस हो रहा कि आप जैसे और भी लोग पाकिस्तान में सोच आपको देख के या ओवरऑल अब लोगों की सोच बदल रही है, कैसा फील हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, दिलशाद भाई से मिलकर। दिलशाद भाई एक अच्छे इंसान है और उनकी बातें सुनकर तो वैसे ही मुझे अच्छा लगा है। एनीवे, अब आते हैं बिलावल साहब के ऊपर आते हैं कि बिलावल साहब जो हैं, इनकी जो बात अभी हो रही थी मंदिर में जाने की और लोगों ने बड़ा इन पर तनकीद की। देखिए सर, एक्चुअली बिलावल साहब काश मंदिर में दिल से गए होते, काश ये हिंदुओं की कोई बात दिल से कर रहे होते, वोट के लिए ना गए। यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप वोट के लिए जाते हो, टीवी में अपनी हेडलाइन बनवाने के लिए जाते हो और फिर जब आप इंडिया के खिलाफ बातें करते हो, जब इंडिया को कहते हो कि हम एक मिनट में आपका दिल्ली तबाह कर देंगे, दो मिनट में आपका मुंबई तबाह कर देंगे, एक कहता है कि इंडिया के मंदिरों की घंटियां बंद कर देंगे, हाँ जी, तो सर ये देखिए, ये होती है दोगली पॉलिसीज। अभी आप देखें बिलावल साहब जब इंडिया में गए तो इंडिया में बैठ के उन्होंने क्या बयानात दिए, उधर बैठ के उन्होंने अमन के पीस के बयान दिए होते, वापसी पे उन्होंने ये भी कहा कि बुचर ऑफ, और मतलब इस तरीके से मैं वो ऑफ गुजरात जो है, मुझे सब पता है सर, कुछ बातें होती हैं कि हम प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं। तो इन्हें चाहिए हमेशा, देखिए आप मंदिर में गए, चलो आपने अपनी गुडविल बनाई, उसके बाद एक अमन का बयान भी देते। अब आप देखो बयान देते हो कत्लो गारत के, बम फाड़ने के आप बयान दे देते हो, उसके बाद आप इंडिया भी चले जाते हो सर झुका के बैठ, रिलेशन भी बेहतर चाहिए। जी हाँ, फिर रिलेशन भी बेहतर चाहिए। तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे या कोई मिनिस्टर थे उनका मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान में बात किससे करें, फौज से बात करें या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करें, हम किससे बात करें, हमें ये समझ नहीं से बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है, आज शायद ये वाहिद ऐसी वीडियो होगी जिसमें आबिद अली भाई ने अपने जो लीडर हैं, जो इनके फेवरेट लीडर हैं, उनका नाम नहीं लिया। और बड़ी बात है, पूरी वीडियो ऐसे ही गुजारती है, मैं हैरान हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे में एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मोटिवेशन मिलती है जब ऐसे लोग मिलते हैं और एक उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में मजीद हम यूथ को एंगेज करेंगे, मजीद लोगों को एंगेज करेंगे ताकि पाकिस्तान की सोच बदली जा सके, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मुझे आबिद भाई से
बात करके, दिलशाद भाई से बात करके, इन दोनों को इकट्ठा देख के बहुत अच्छा लगा। और हम आप इस जो ये न्यूज़ है कि भाई वहाँ पे इमाम ऑफ कब आ रहे हैं, एक मिनट में क्या मैसेज देना चाहेंगे या थैंक्स बोलना चाहेंगे इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ भी? जी मैं सबसे पहले योगी जी उन्हें मैं थैंक करना चाहूँगा। देखिए उन्हें थैंक्स किस लिए करना चाहूँगा, पाकिस्तान में वो कहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के जो है ना भारत में योगी जी और मोदी जी हैं। अरे भाई ये वही लोग हैं जो इमाम काबा को इनवाइट कर रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, ये वही लोग हैं। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाहूँगा और पाकिस्तानी मुसलमानों को कि देखिए ये सब ड्रामा जो है ना हमें से लड़वाने के लिए एक अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी के फसादात, इंडिया में हिंदू मुसलमान के फसादात, और अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा फायदे लेता है। कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर बैठ के जो है ना प्रॉपर एक वीडियो करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा वो बातें सुनने का। लास्ट में एक मिनट में बस आप भी कोई भी मैसेज देना चाहें जो इस न्यूज़ के ऊपर, एक मिनट में। ये जो पंडित पादरी और मुल्ले, जब आपने इनको किसी जगह कैद कर दिया तो वो मुल्क तरक्की कर गया और इसी को यूरोप ने अपनाया है, ठीक है, और वो आगे निकल गए हैं। तो ये तीन जो है ना ये आपके लिए वबाले जान है। कैद नहीं मतलब कैद थोड़ा सख्त लफ्ज है, ये कि कैद से मुराद हदूद है, जो उनका काम है वो करें। कैद से मुराद के पुलिसी मेकर्स जो है ना उनसे उनको दूर कर दें, ठीक है, और एक लिबरल बंदे भी ना आप ना लेके आए, पढ़े लिखे बंदे लेके आए यार जो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आते हैं। और दूसरा मेरा एक मैसेज हमेशा के लिए, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक हो गया जी। अच्छा जी देखिए मैं पूरी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं याद रखिएगा कि अपने